नमस्कार, सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? तो जैसा कि दोस्तों अभी मैं शाम के समय में, क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी नहीं लगा, थोड़ा बहुत ड्यूटी लगा था, उसके बाद थोड़ा गैस वैस ख़त्म हो गया था मैडम का, तो भरा के लाए थे। तो अभी मैं, जैसा कि अभी बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ रहा था, मैं काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, भाई मुझे कोई अच्छा मतलब ऑफिस बताइए आने के लिए, कोई अच्छा वीज़ा दीजिए मुझे। तो ये कैसे, काफ़ी लोग का कमेंट था कि हाउस रेंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। तो हाउस ट्रेवल में, जैसे कि पिछले मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ट्रेवल यहाँ काम करते हैं हाउस ट्रेवल में, क्योंकि जिसको भी कमाना दो पैसे वो किसी भी काम में आ सकता है, उसकी चॉइस है। लेकिन अगर जो भी काम आता, जो इंसान अगर जो काम जानता है उस काम में आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिया का जैसा नहीं है यहाँ पर कि हर तरह का मतलब काम यहाँ मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ काम में हैं जो आप आओगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, और ये आपको मायने ये नहीं रखता कि आप हर काम में पैसा कमा सकते हो, बस ये देखना है कि मालिक आपको कैसा मिल रहा है, कैसा मालिक है, घर कैसा है, तो उसी हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो यहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि हाउस ट्रेवल में घर अच्छा भी होता है, अच्छा भी नहीं होता है, इसमें ड्यूटी फिक्स भी रहती है, फिक्स भी नहीं होती, क्योंकि अगर स्कूल का टाइम है, स्कूल खुला है, तो स्कूल के समय में आपकी ड्यूटी फिक्स रहती है, क्योंकि बच्चे को सुबह छोड़ना है, ले आना है, या मैडम स्कूल जाती है, मैडम को ले जाना है, ले आना है, तो ये ड्यूटी फिक्स हो जाती है, क्योंकि रात को 9 बजे से पहले बाद में निकलती नहीं है। और किसी किसी घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और घूमते हैं लेकिन उतना इज्जत नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है हर घर में, 100 घर में 10 घर खराब होते हैं, 90 घर सही होते हैं। तो जैसा कि यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इधर का रोड के विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि इस रोड पर कैसे चलना चाहिए, सऊदी अरब के रोडों पर कैसे गाड़ी चलाना है, तो हमारे वीडियो का स्किप नहीं करना, आप पूरी वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि रात के समय का ये वीडियो है, आपको बहुत सही आपको नॉलेज मिलेगा रात के समय में। दिन में तो कहीं भी चला सकते हो, लेकिन रात के समय में एक अनुभव हो जाता है कि सऊदी अरब में गाड़ी अगर चलाना है, अगर जाम रहे, ट्रैफिक रहे, रेड लाइट रहेगा, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप कभी भी रेड लाइट पे हो तो गाड़ी बहुत इधर उधर भागती है, लेकिन आपको हमेशा अगर लेफ्ट राइट जाना है तो इंडिकेटर हमेशा देना है, जैसे सामने आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिकेटर ना दो, कभी इधर भागो और कभी लेफ्ट जाना राइट जाना, तो ऐसा गलती ना करो, क्योंकि अगर इशारा पे गलती अगर आपकी रहेगी तो 100% अगर आपकी थोड़ा सी भी पीछे से लड़े या आगे से लड़े गाड़ी आप, तो आप ही की गलती निकालेगा, क्योंकि भाई यहाँ इशारा देकर निकालना है रेड लाइट पे खास तौर। और यहाँ पर गाड़ी कितनी भी चलती रहे जाम में, कितना भी ट्रैफिक हो, लेकिन आपके आपको हमेशा ध्यान देना है कि रोड के विषय में एक छोटे छोटे पत्थर लगे होते लाइन से, उन्हीं पत्थरों के बीच में आपको चलना होता है, क्योंकि गाड़ी ना रहे, अगर सब गाड़ी नहीं रहे तो आप कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाड़ी ट्रैफिक रहे या जाम रहे या गाड़ी लड़ने का अनुभव रहे, जैसे कि सामने वाला हरकत कर रहा है, पीछे वाला हरकत कर रहा है गाड़ी, तो आप फटाक से अपने लाइन में आ जाओ, क्योंकि पीछे वाला जो मारेगा भी तो अपने लाइन में आप रहोगे तो आपकी गलती 0% आएगी, और जो जिसने तुम्हें आगे से टक्कर मारे या पीछे से मारे तो उसी की गलती निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर रोड पे अगर चलोगे ध्यान से तो आपको बहुत आसान है रोड पे गाड़ी चलाना, अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो उसका फाइन आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुंह से नहीं जुबान होता कि गाड़ी लड़ जाए तो लड़ाई करो, नहीं मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती है, सामने वाली गलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर ड्राइवरी करना बहुत आसान है। अगर आप ड्राइवरी में आना चाहते हो तो आपके लिए ना यहाँ पर हर नियम कानून है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई गाड़ी लड़ जाता है तो पहले आदमी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो सामने जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं अपने लाइन से चल रही हैं, और ये याद हमेशा रखो, जब सामने वाला ब्रेक मारता है तो लाइट जलती है, तो आपको भी ब्रेक पर पैर रख लेना है, क्योंकि आप उसे 1 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर का, 4 मीटर का हमेशा फासला रखो, ताकि इमरजेंसी सामने वाला ब्रेक मारे तो आप उससे दूरी बना के रखो थोड़ा सा, तो आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होने वाले, क्योंकि ये सऊदी अरब का मेन रोड है, अभी जिस पे मैं हल गया हूँ, अभी ये रोड बन रहा है, क्योंकि इस पे पूरा लकीर अभी मिट गया है, क्योंकि अभी ये नया सामने से बना है। तो बस गाड़ी चलाने के लिए सबसे मेन सिटी और सबसे मेन रोड यही है, जो जिस रोड पे हम इस समय चल रहा हूँ, क्योंकि इस रोड पे आप 120 का रोड होता है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से गाड़ी चलाते हो, आप कभी भी, जैसे मैं अभी बीचों बीच में जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में हूँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर शायद मैं अभी लेफ्ट में होता तो उधर का रूट में जो फास्ट चलता, तेज में चलता, स्लो नहीं चलता, क्योंकि उधर
लेफ्ट राइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 120 110 जो सऊदी लोग होते हैं 120 सिंपल भी भगाते हैं, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं वो हमेशा सेफ्टी से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर फाइन आ जाएगा, अगर 120 से ऊपर भगा दे कैमरा मार देगा तो 500 रियाल है फाइन का। तो ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अभी मैं भाई 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, जितना दिन से भी गाड़ी चला रहा हूँ अभी मेरा कैमरे का फाइन कभी नहीं आया। तो ये मत सोचना कि हमारा कैमरा आ जाएगा, हमारा मतलब मुझसे गलती हो जाएगी तो क्या करूँगा। तो अगर आप चाहोगे तभी आपका फ़ाइन आता है, इससे पहले आपका फ़ाइन नहीं आएगा। और गाड़ी का यहाँ हमेशा, जैसे आपको कहीं भी अगर रुकना है, कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाता है अभी गाड़ी में, तो आपको पूरा इंडिकेटर हमेशा पहले ध्यान रखना, जितने भी रोड हो गए यहाँ पर आपको फुल इंडिकेटर देना है, चारों इंडिकेटर आपको गाड़ी चला के फिर रोकना है। पहले इंडिकेटर जलाओगे उसके बाद स्लो स्लो करके गाड़ी रोक लेना साइड में, क्योंकि आप यहाँ गांव में इंडिया में तो इंडिकेटर का बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर सबसे मेन मतलब पॉइंट है। अगर आप 100% लैंडिंग से बचना चाहते हो तो यहाँ पर इंडिकेटर का सबसे फर्स्ट बार सबसे पहले इंडिकेटर का प्रयोग करोगे, आपको आगे पीछे वाला समझ जाएगा कि ये इसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या ये लेफ्ट राइट जाना चाहता है। तो भाई इस जो भी सऊदी अरब आना चाहते हैं तो ये पहला ये आप लोग दिमाग में हमेशा बैठा लो कि सीट बेल्ट अपना सेट कर लो, चारों शीशा सेट कर लो, दोनों शीशा सेट कर लो दोनों तरफ का लेफ्ट राइट का। और फिर जब सीट पे बैठो तो पहला नंबर जब नया आएगा तो नए आदमी आता है जब ना, तो उसको कपिल एक दो दिन नहीं तो उसी दिन बैठा देता है, कोई ड्राइवर होगा तो उसको ट्रेनिंग कराता है, नहीं तो वो खुद कहता है कि चलो चलाओ मैं देखूंगा। तो डरने की कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस आप दो तीन चीज़ आप नहीं भूलना, इधर आना तो पहला नंबर सीट बैठोगे तो आपका सीट आगे पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, उसके बाद दोनों सीट दोनों शीशा आपको सेट करना है लेफ्ट राइट का, फिर आपको पहला फिर तीसरा नंबर है आपको सीट बेल्ट नहीं भूलना है, सीट बेल्ट लगा के फिर आगे स्टार्ट चाबी मार के फिर चलना है, क्योंकि यहाँ गाड़ी चलाने के लिए सब नियम का मतलब फॉलो करना पड़ेगा। नहीं आप चलाते समय मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप चलाते समय अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए रहोगे तो आपको सामने कैमरा कहीं कहीं रोडों पर लगा होता है, जो ऊपर खुबरे के मतलब ऊपर के साइड में लगा होता है छोटे छोटे कैमरे, तो आपको ज़रूर फाइन मार देता है। और एक बात और हमेशा याद रखना कि जो साइड में आपके बगल में बैठा उसको भी हमेशा बोल दिया करना कि सीट बेल्ट उसको भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको भी मारेगा तो आप ही का लगभग गलती आएगा, क्योंकि आप आगे ड्राइवर हो तो आपको नियम कानून उसको भी बताना है कि आपको सीट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो, तब आप आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले रोक के आपको फाइन नहीं मारेंगे, हमेशा आपको चलते में ऑटोमेटिक फाइन आ जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, जो ध्यान से करेगा कभी उसको ना गाड़ी लड़ेगा ना कभी उसका फ़ाइन आएगा, बस आप ध्यान लगा के गाड़ी चलाओ बस। और सबसे ज़्यादा मैं तो कहता हूँ इंडिया से ज़्यादा मतलब आसान इधर है सऊदी अरब में गाड़ी चलाना, इंडिया में तो भी चारों तरफ से आना जाना लगा रहता है, लेकिन सऊदी अरब में सबसे अच्छा रोड पे गाड़ी चलाना है, क्योंकि आप नियम कानून चलोगे, आप अपना रास्ता चुन के चलोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि अभी मैं मैडम को लेने जा रहा हूँ तो एकदम पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि सामने जितनी भी गाड़ी चल रही हैं ये मतलब उधर भी है, ये सिंगल रोड है लेकिन इस पे बीच में पत्थर लगाया हुआ है, अभी देख सकता हूँ मैं साइड में ले जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखो साइड में पत्थर लगा हुआ दो लाइन, लेकिन हम उस लाइन में नहीं जा सकते, गलती से भी नहीं जाएंगे, अगर खाली रहेगा तब भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर शायद के समय का सामने वाला सऊदी देख कर लड़ा दे जानबूझ के तो हमारी ही गलती निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़रा सा चूक गए तो सामने वाला हरकत भी कर सकता है। तो फिलहाल अभी मैं जाम पूरे लगा हुआ है तो थोड़ा आराम से चलता हूँ, क्योंकि ये मेन मतलब जुम्मा खमीज का दिन जो होता है, बिफ़ सूख शनिचर के दिन ये सब थोड़ा जाम के समय होता है, क्योंकि रात को समय ज़्यादा ये लोग निकलते हैं और दिन में बहुत कम निकलते हैं। तो पूरा डिब्बा गाड़ी है भी सामने पीछे आ रहा है, तो देखता हूँ रोक लिया है गाड़ी, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दो भाई, ऐसी जगहों पर आप पहले नंबर आप ऐसे रोडों पर चलने से पहले आपको पहले लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में गाड़ी नहीं आ रही तो आपको अंदर जाना है, क्योंकि हमेशा छोटे रोड से बड़े रोड पे निकलोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम मेन रोड पे जा रहा हूँ, सेफ्टी है मेरे लिए कि नहीं है। अभी देख सकते हो ये सामने वाला भी इंडिकेटर देकर आराम से जा रहा है, तो यहाँ इंडिकेटर का सबसे महत्व सबसे ज़्यादा है,
आपका इंडिकेटर लाइट ख़राब है तो आपको उसको बनवाना नहीं, उसका फ़ाइन भी अलग से आता है। अभी देखो ये बीच में घुसा रहे, ऐसे लोग हरकत करते हैं जो सऊदी लोग होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनको 100-200-300 रुपया आ जाता है तो उनको देर नहीं है, फ़ाइन अगर वो भर देंगे। लेकिन हम लोगों को बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना है क्योंकि हमारी अगर सैलरी भी कट सकती है, अगर मालिक से ये तो नहीं कटेगा, नहीं तो सैलरी भी कट सकती है। तो देख सकता हूँ आज पूरा जाम जाम लगा हुआ है क्योंकि मैं मैडम के रिश्तेदार को लेने जा रहा हूँ, उसके घर पे ले जाकर उसे अपनी मैडम के घर पे ले जाकर छोड़ूंगा क्योंकि पार्टी पुल्टी है आज। मैं दिन में मिठाई उठाई ला के रख दिया हूँ और साउंड वाउंड ला के मतलब रखा हूँ, तभी मैं समझ गया कि पार्टी है। तो थोड़ा बहुत ड्यूटी दूसरे करना पड़ता है तो कोई मुश्किल नहीं है, ड्यूटी कर देता हूँ, फैमिली सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली नहीं सही है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो भाई मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देर से सही लेकिन सुरक्षित पहुँचो, जहाँ भी जाना है आराम से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है गाड़ी का, क्योंकि आराम से चलोगे आप, सही से चलोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत आसान है, जो गाड़ी मैं कभी इंडिया में नहीं चलाया था मैं इधर गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि इधर की गाड़ी सारी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस आपको सारा मतलब आँख खोल के गाड़ी चलाना है, ये नहीं कि मैं मोबाइल छेड़ता रहूँ और गाड़ी आगे जाती रहे धड़ाम से लड़ जाए, तो ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि दो पैसा कमाने आए हो तो दो पैसा कमाना है, क्योंकि भाई आप गाड़ी कभी नहीं लड़ेगी तो आपसे मालिक भी खुश रहेगा और मैडम भी खुश रहेगी, क्योंकि उसको टेंशन फ्री हो जाएगी कि क्योंकि मेरा ड्राइवर सोचेगी कभी गाड़ी नहीं लगाया लड़ाया है, तो उसको विश्वास हो जाएगा। क्योंकि ये लोग बहुत डरती हैं, जो लेडीज़ होती हैं ये जो गाड़ी बैठेंगी बहुत डरेंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो आया था तो काफ़ी डरती थी, लेकिन अभी ये इस मैडम को मेरे मैडम को अच्छी तरह मालूम हो गया, 3-4 साल इसके घर पे काम हो गया, कभी गाड़ी लड़ाया नहीं है, तो ये बैठती है तो अब आगे को नहीं देखती, बस मोबाइल में भिड़ी रहती है नीचे करके, बस वो हमें बता देती है कि कुमार यहाँ जाना है, बस मैं उनको वहीं लेके जाता हूँ, वो बस पहुँच जाएंगे अड्डे पे, तब पहुँचेंगे कि हाँ पहुँच गए, तो मैं कहता हूँ हाँ पहुँच गया आप उतरो, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होगा कि जब भी गाड़ी ये चलाएगा पूरा ध्यान से गाड़ी चलाएंगे और एकदम अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इसी घर से लेके जाना है, तो ये घर है वो जो मैडम के मतलब रिश्तेदार को लेके जाना है, तभी उनको फ़ोन करता हूँ फटाका, वो लोग निकलते हैं, तो कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि लेडीज़ का मामला है भाई।